आपने कभी सुना है कि एक ही मंदिर में हिंदू और मुस्लिम दोनों अपने अपने भगवान की पूजा करते हैं? जी हाँ, बिहार के समस्तीपुर जिले में एक अद्भुत मंदिर है, जहाँ एक तरफ हिंदुओं के आराध्य बाबा भोलेनाथ का शिवलिंग है, तो वहीं दूसरी तरफ मुस्लिम समुदाय की खुदनी बीबी की मजार है। इस मंदिर के बारे में जानने के बाद आप भी हैरान रह जाएंगे। तो चलिए इस मंदिर की रहस्यमय कहानी की तरफ चलते हैं और यहाँ के रीति रिवाजों के बारे में जानते हैं। ये मंदिर बिहार के मेरवा प्रखंड में स्थित है। इसका नाम है बाबा खुदेश्वर स्थान शिव मंदिर। ये मंदिर सिर्फ धार्मिक एकता का प्रतीक नहीं बल्कि एक ऐतिहासिक धरोहर भी है। स्थानीय पंडित रमेश झा से लोकलिटी ने खास बातचीत की। उन्होंने हमें बताया कि इस मंदिर का इतिहास काफी रहस्यमय है। बहुत समय पहले ना यहाँ एक घना जंगल हुआ करता था, जहाँ खुदनी बीबी नाम की एक मुस्लिम महिला गाय चराया करती थी। एक दिन जब उसकी गाय दूध नहीं दे रही थी, तो खुदनी बीबी ने गाय को एक खास जगह पर खड़ा पाया, जहां गाय ने खुद ही दूध गिराना शुरू कर दिया। उसी रात खुदनी बीबी को भगवान शिव का सपना आया। भगवान ने उसे बताया कि वो जो कुछ भी देख रही है उसे किसी को ना बताए। लेकिन जब परिवार ने उससे सच्चाई पूछी तो उसने सब कुछ बता दिया और उसी रात उसकी मौत हो गई। जब उसके परिवार ने उसे दफनाने के लिए कब्र खोदी तो वहां से एक रहस्यमय पत्थर निकला जिसमें से खून बहने लगा। इस रहस्यमय घटना के बाद उसी स्थान पर एक मंदिर का निर्माण किया गया और उसे खुदेश्वर स्थान का नाम दिया गया। इस मंदिर में हिंदू और मुस्लिम दोनों एक साथ पूजा करते हैं। काली गाय का दूध वहीं गिरने लगा, वहाँ खुदाई किया गया तो बाबा प्रकट हुए और वह लड़की मर गई, जिसका बगल में उसको दफना दिया गया है और बाबा का पूजा होता है। बाबा को जैसे लोग फूल गंगा जल बिलपत्र चढ़ाते हैं, वैसे ही खुदनी बीबी के मजार पर भी चढ़ाते हैं। बहुत लोग आते हैं, 50,000 लोग भोर सवेरे प्रातःकाल हाँ जलाभिषेक और खुदनी बीबी दोनों एक ही हम ही लोग चढ़ाते हैं। इस्लाम में महिला की पूजा नहीं है। आपको बता दें कि यहाँ हर साल सावन के सोमवार पर श्रद्धालु जल अभिषेक के लिए आते हैं और श्रद्धा पूर्वक अपनी बारी का इंतजार करते हैं। मंदिर के प्रति लोगों की श्रद्धा इतनी गहरी है कि यहाँ लगन के दिनों में एक दिन में 15 से ज्यादा जोड़ों का विवाह भी कराया जाता है। ये मंदिर ना केवल धार्मिक भावनाओं का सम्मान करता है बल्कि समाज के हर वर्ग को एकजुट करने का भी काम करता है। बिहार के इस अद्भुत मंदिर से साबित होता है कि धर्म और आस्था की कोई सीमा नहीं होती। अगर आप भी इस ऐतिहासिक और धार्मिक स्थल की यात्रा पर जाना चाहते हैं तो ये निश्चित रूप से आपकी लिस्ट में शामिल होना चाहिए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं कि आपको इस मंदिर में जानकर कैसा लगा।